उतार चढ़ाव भरे रहे लास्ट वीक में ब्रॉडर इंडेक्स ने अपने दो सप्ताह के बेहतर प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया है। वहीं मुख्य इंडेक्स का प्रदर्शन लगातार कमजोर बना रहा। करंट फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही के कमजोर वित्तीय नतीजों और FII की लगातार हो रही बिकवाली से लगातार तीसरे सप्ताह बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। लास्ट वीक BSE सेंसेक्स 156.61 पॉइंट गिरकर 81,224.75 पर सेटल हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 110.25 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,854 पर बंद हुआ। BSE मिड कैप इंडेक्स में 1%, BSE लार्ज कैप इंडेक्स में 0.7% की गिरावट आई। BSE स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट रहा। सेक्टर की बात करें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स 5%, निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 2% गिरे हैं। निफ्टी मीडिया, FMCG और ऑयल एंड गैस इंडेक्स सभी में 1.5% की गिरावट आई है। दूसरी ओर निफ्टी बैंक इंडेक्स 2%, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 1% और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.6% मजबूत हुए। लास्ट वीक के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपनी बिकवाली बढ़ाई है और उन्होंने 21,823 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर बेचे हैं। इस बिकवाली की भरपाई घरेलू संस्थागत निवेशकों ने की। उन्होंने 16,384 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर खरीदे हैं। अक्टूबर में अब तक FII ने कुल 80,217 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, जबकि DII ने 74,176 करोड़ रुपए की बाइंग की है। कोटक सिक्योरिटी में टेक्निकल रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट अमोल अठावले का कहना है कि भारतीय बाजार अपने रिकॉर्ड ऊंचे लेवल पर है, इस वजह से यहां अभी मुनाफा वसूली चल रही है जो पिछले हफ्ते भी जारी रही। ब्लू चिप और मिड कैप कंपनियों के शेयरों में पिछले हफ्ते गिरावट रही, लेकिन स्मॉल कैप सेक्टर की कुछ कंपनियों ने बाजार के इस बुरे दौर में भी निवेशकों को निराश किया है। जब बाजार में भारी उतार चढ़ाव था तब इन कंपनियों ने 11 से 18 अक्टूबर के दौरान अपने निवेशकों को 15 से 43% तक का जोरदार रिटर्न दिया। लास्ट वीक भले ही BSE स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट रहा, लेकिन नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट, प्रिसीशन कैम शाफ्ट्स, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, रेनेसांस ग्लोबल, IFB इंडस्ट्रीज, कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी, संघवी मूवर्स, वाटेक वेबैग, पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, बेस्ट एग्रोलाइफ, पेनार इंडस्ट्रीज, PC ज्वेलर और एंजल वन ने 15% से लेकर 43% तक का रिटर्न दिया है। HDFC सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी का कहना है कि लास्ट फ्राइडे निचले स्तर से लगातार बढ़त बाजार में बुल्स की वापसी का संकेत मिल रहा है। यहां से बाजार ऊपर जा सकता है। इसका इमीडिएट सपोर्ट 24,500 है और अगला ओवरहेड रेजिस्टेंस 24,950 से 25,000 के लेवल पर होगा। सैमको सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट धूपेश धमेजा का कहना है कि निफ्टी का आउटलुक अभी भी कमजोर बना हुआ है। डेली चार्ट पर बुलिश पियर्सिंग पैटर्न सेलिंग प्रेशर में टेम्पोररी पॉज का संकेत दे रहा है। निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन 25,000 पर बन रहा है। इस लेवल से ऊपर की ओर लगातार बढ़ने से बाजार का कंट्रोल फिर से बायर्स के हाथ में होगा, जिससे शॉर्ट कवरिंग और स्ट्रॉन्गर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके उलट अगर इंडेक्स 24,690 के नीचे आता है तब बाजार का कंट्रोल सेलर्स के पास होगा, जो निफ्टी 50 इंडेक्स को 24,500 से 24,300 के लेवल तक नीचे खींच सकते हैं।